भारत में गरीबी। भारत एक समृद्ध देश है, लेकिन भारत में गरीबी एक व्यापक स्थिति है। देश के स्वतंत्र होने के बाद से हमें जिस दैत्य का सामना कर पड़ रहा है वह है गरीबी। गरीबी संसार के सबसे विकट समस्याओं में से एक है। सामान्य जरूरत के लिए धन की कमी होना गरीबी है। गरीबी बीमारियां फैलाती है, क्योंकि गरीब लोगों के पास रहने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं होता है। साफ पानी की भी व्यवस्था गरीब बस्तियों में नहीं होती है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, संक्रामक रोग आदि है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से रोजगार में कमी आई है और लोगों को रोजगार के साधन कम मिल रहे हैं। गरीबी एक ऐसी परिस्थिति है जिसका कोई भी अनुभव नहीं करना चाहेगा। गरीबी के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। गरीब परिवार के बच्चों को उचित शिक्षा, पोषण और खुशनुमा बचपन का माहौल कभी नसीब नहीं हो पाता है। गरीबी अपराधों को जन्म देती है, क्योंकि भूखा इंसान भूख मिटाने के लिए गलत राह भी चुन सकता है। कुछ लोग पेट भरने के लिए आतंकवादी तक बन जाते हैं। गरीबी की वजह से उत्पन्न होने वाली सबसे गंभीर समस्या बाल मजदूरी की है, क्योंकि घर चलाने के लिए घर के हर सदस्य को कार्य करना पड़ता है। गरीब व्यक्तियों को समाज में बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है। समाज का यह नजरिया गलत है, क्योंकि इसमें गरीब व्यक्ति की ज्यादा गलती नहीं है। भ्रष्ट नेताओं के कारण भी गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जा रहा है, क्योंकि वो उनको मिलने वाली सुविधाओं को खुद प्रयोग कर लेते हैं और उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए हर एक व्यक्ति का एकजुट होना बहुत आवश्यक है। गरीबी दूर करने के लिए सर्वप्रथम कृषि व कुटीर उद्योगों का विकास करके उत्पादन को बढ़ाना होगा। दूसरा, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाना होगा। देश के गरीबों का भी कर्तव्य है कि वह स्वयं को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कुछ प्रयास करें।